जिसने बहुत मेहनत करी है, पूरे इंडिया को प्राउड फील कराया। वी आर सो हैप्पी। कांग्रेचुलेशंस नीरज। 2028 के जो ओलंपिक्स होंगे एलए में, उसमें मुझे बहुत उम्मीद है और विश्वास भी है कि हम इससे बहुत अच्छा करेंगे। लिटिल डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट, बट यू डिड वेरी वेल। ही इज वन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। नीरज चोपड़ा ने हमारा दिन बना दिया। ऑल द इंटरनेशनल ऑडियंस, एवरीवन नोज नीरज, एवरीवन वाज चीयरिंग फॉर नीरज एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। नीरज ने बहुत मेहनत करी है, पूरे इंडिया को प्राउड फील कराया। वी आर सो हैप्पी। थोड़ा दुख है बट नीरज ने बहुत मेहनत करी है, उसमें कोई शक नहीं है, दोराय नहीं है। सो वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। ही गेव हिज बेस्ट। कांग्रेचुलेशंस नीरज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया एंड कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान एज वेल। उन्होंने अच्छा खेला, वी हैव टू एक्सेप्ट। उन्होंने 2 बार 90 क्रॉस किया जो हम नहीं कर पाए, बट अगेन सिल्वर इज अगेन ए मेडल एंड नीरज हैज मेड अस प्राउड। हमारा पहला सिल्वर है इस ओलंपिक का। उतना अच्छा ओलंपिक हमारा नहीं गया, बट यस इट वुड बी एन इंस्पायरिंग इवेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। आगे बच्चे जो हैं हरियाणा से ही हैं, तो हम जानते हैं कि ऑलरेडी स्पोर्ट्स में काफ़ी लोग बच्चे गाँव में देहात में गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और हम काफी अच्छा कर रहे हैं। पूरे भारत में जो लहर अभी आई है पिछले 2 ओलंपिक से, आई थिंक 2028 के जो ओलंपिक्स होंगे एलए में, उसमें मुझे बहुत उम्मीद है और विश्वास भी है कि हम इससे बहुत अच्छा करेंगे। और वर्ल्ड स्टेज पे एथलेटिक्स पे जब इंडियन एथलीट आके कम्पीट करते हैं, ना सिर्फ कम्पीट करते हैं, हरा रहे हैं, और दोनों ही एशियन एथलीट से, सो इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर अस। पाकिस्तान को भी मुबारकबाद, उन्होंने भी अच्छा खेला और ऑब्वियसली दे वर डिजर्विंग विनर एज वेल। नीरज चोपड़ा डिड ऑल अस प्राउड एंड वी वर वेरी हैप्पी। वी ऑल आर वेरी हैप्पी। वी ऑल आर वेरी प्राउड टू हिम। हियर इन पेरिस टू फॉलो आवर इंडियन टीम, सो वी बीन फॉलोइंग मल्टीपल मैचेस गोइंग एवरीवेयर। Yes, yes, little disappointed about that. But you did very well, and it was just Pakistan's day today. We can't say much about it. They went twice beyond 90, which was amazing. But we are very happy for India. Very happy. And we, Dinesh did very well, and very very proud of him. See, uska season best tha. Season best, he did it. So the guy who won us, like he did a better throw. That's it. Neeraj did his best actually. So we are very happy. एक मेडल देखने के लिए आया था एंड मजा आ गया एंड वी आर वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी। बस प्राउड एंड या सो ही हैज वन नाउ वन गोल्ड एंड वन सिल्वर, सो ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, सो वी आर सो हैप्पी अबाउट हिम। इट वाज अ ग्रेट इवनिंग इन पेरिस। वी वांटेड टू सी इंडिया विन अ मेडल। वी ऑल एक्सपेक्टेड गोल्ड, वी आर होपिंग फॉर गोल्ड, बट आई थिंक नीरज गेव हिज सीजन्स बेस्ट। यू कांट आस्क फॉर मोर इन अ ओलंपिक फाइनल वेयर देयर इज इमेंस प्रेशर ऑन हिम। And we could make out on his first throw, wherever we were sitting, almost everybody of every nationality got up to cheer him up. So that shows he's a very popular athlete. We are very happy that he won silver. We wish him all the best going forward. And we are sure he'll bring more laurels to the country. It was a great evening. We saw some season bests. We saw some world records. We saw some Olympic records being broken. So we are extremely delighted to be here this evening. And thank you, Neeraj. Wish you all the best for the future. Thank you for whatever you've done for India. नीरज चोपड़ा ने हमारा दिन बना दिया और हमारे पेरिस का सक्सेस हो गया आना ओलंपिक में। हम चाहते थे कि नीरज चोपड़ा कुछ ना कुछ गोल्ड मेडल जीते, लेकिन सिल्वर भी ठीक है। उसने अपना बेस्ट दिया, हम बहुत खुश हैं और इंडिया के लिए हम बहुत खुश हैं। वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ नीरज एंड वॉट मेड अस इवन मोर प्राउड इज दैट ऑल द इंटरनेशनल ऑडियंस, एवरीवन नोज नीरज, एवरीवन वाज चीयरिंग फॉर नीरज एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। वी लव्ड द मैच एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी वॉन द सिल्वर। सो इट वॉज वर्थ वॉचिंग एंड वी सो मेनी इंडियन पीपल आउट हियर अमंग ऑल दिस पीपल, एवरीवन इज you know cheering for Neeraj all the way. It was a wonderful experience. We are very proud of you Neeraj. We love you Neeraj. We know that you will do even more better in the future.